हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, साइंस के पिछले क्लास में हम लोग है ना टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग कुल है ना फाइव मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। और बच्चों, हम लोग का कुछ है ना और मोशन बचा हुआ है ना, हम लोग कुछ और मोशन के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और फिर उसके आगे के टॉपिक के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम लोग आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों है ना, हमारा छठा नंबर है स्थानांतरित गति, है ना। हमारा छठा नंबर क्या है? स्थानांतरित गति, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन। तो अब स्थानांतरित गति किसे कहेंगे, है ना, स्थानांतरित गति किसे कहेंगे? तो इसका नाम में ही स्थानांतरित मतलब है ना ऐसा गति जिसमें कोई वस्तु गति भी करता हो, मतलब मोशन में भी हो और वो अपने स्थान को भी चेंज करता हो, है ना, और वो अपने स्थान को भी चेंज करता हो, तो उस टाइप की गति को, है ना, उस टाइप की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति। क्या बोलेंगे उस टाइप की गति को हम लोग? स्थानांतरित गति, है ना, ऐसा वस्तु जो गति में हो और वो अपना स्थान चेंज करता हो, अपना स्थान क्या करता हो? चेंज करता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्थानांतरित गति। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सड़क पर है ना गाड़ी चलती है, तो जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी गति की अवस्था में भी रहता है ना, गाड़ी गति की अवस्था में भी रहता है और उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होता है। उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होता है। तो इसलिए गाड़ी की गति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति, है ना। कोई भी रोड पर अगर गाड़ी चलता है तो हम लोग क्या देखते हैं? गाड़ी गति में रहता है तो उसका उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होते रहता है। उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति, है ना। कुछ ऐसा गति भी होता है जिसमें वस्तु गति में रहता है लेकिन उसका स्थान चेंज नहीं होता है, ना, उसका स्थान चेंज नहीं होता है। जैसे आपका पंखा है ना छत पर लटका हुआ रहता है, आपका पंखा छत पर लटका हुआ रहता है पर वो चलता भी है तो उसका स्थान चेंज नहीं होता, वो जहां टंगा हुआ रहता है वहीं रहता है, है ना, उसी बिंदु पर वो टंगा हुआ रहता है। पंखा जहां टंगा हुआ रहता है वहीं रहता है, वह ना उसका पंखी गति में है लेकिन पंखा वही है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? पंखा गति में है लेकिन उसका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो एक गति क्या होगा? स्थानांतरित गति नहीं होगा, है ना। आप लोग ले लीजिए हेलीकॉप्टर, है ना, हेलीकॉप्टर का पंखा गति में होता है, हेलीकॉप्टर का पंखा गति में होता है तो उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होते रहता है, ना, जब वो उड़ता है तो उसका स्थान भी क्या होता है? चेंज होता है, तो उसकी गति क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति। मतलब वो हर एक वस्तु जो गति में हो, है ना, जो गति में हो और गति के साथ साथ उसका स्थान भी चेंज होते रहे, उसका स्थान भी चेंज होते रहे, तो उसका क्या बोलेंगे हम लोग? स्थानांतरित गति। तो बच्चों आप लोग है ना इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, यदि गति करते हुए वस्तु का, है ना, यदि गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु, यदि गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता है, ना, यदि गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं, है ना, तो ऐसी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। यदि गति करते हुए वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता हो तो ऐसी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं, है ना, ऐसी गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे सड़क पर कार की गति, है ना, सड़क पर कार की गति, जैसे क्या लिखना है? सड़क पर कार की गति, है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग सड़क पर कार की गति और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें वस्तु गति में हो और उसका स्थान चेंज होते रहे, है ना, जिसमें वस्तु गति में हो और उसका स्थान चेंज होते रहे, ठीक है, तो वो सभी गति क्या होगा? स्थानांतरित गति। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, है ना, अगला मोशन की ओर। तो बच्चों है ना हमारा अगला गति है वक्र रेखीय गति, है ना, सातवां नंबर वक्र रेखीय गति, है ना, कर्वीलिनियर मोशन,
कर्विलिनियर मोशन है ना, कर्विलिनियर मोशन वक्र रेखीय गति। अब वक्र मतलब समझते हैं, तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेरा लाइन, टेढ़ा मेरा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग वक्र है ना, टेढ़ा मेरा लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग वक्र बोलते हैं है ना, इस तरह टेढ़ा मेरा लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग वक्र, ठीक है। तो क्या बोला वक्र रेखीय गति, मतलब जब कोई वस्तु टेढ़ी मेरी है ना गति करता हो, जब कोई वस्तु टेढ़ी मेरी लाइन पर गति करता हो, मतलब जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर गति करता हो है ना, जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर गति करता हो, जब कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर क्या करता हो गति करता हो, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलेंगे वक्र रेखीय गति है ना, वक्र रेखीय गति। जैसे अभी हम यहां से उतरेंगे और घर जाएंगे, तो घर में कितना रास्ता टेढ़ा मिलेगा है ना, ये गली घुसेंगे वो गली घुसेंगे वो गली घुसेंगे है ना, टेढ़ा मेरा रास्ता मिलेगा, तो हमारा गति कौन गति हो जाएगा वक्र रेखीय गति, क्या हो जाएगा वक्र रेखीय गति। या कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलती हुई कार की गति है ना, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलती हुई कार की गति क्या होगा वक्र रेखीय गति है ना, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलती हुई कार की गति क्या कहलाएगा आपका वक्र रेखीय गति। तो बच्चों आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं है ना, कि यदि वस्तु वक्र पथ पर गति करती हो, यदि वस्तु वक्र पथ पर गति करती हो तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं है ना, यदि वस्तु वक्र पथ पर गति करती हो तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं है ना, उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा घुमावदार रास्ते पर कार की गति है ना, घुमावदार रास्ते पर कार की गति, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं घुमावदार रास्ते पर कार की गति है ना, बोले ना कोई भी टेढ़ी मेढ़ी जो रास्ता रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्या बोलते हैं वक्र है ना, अब टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दीजिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग वक्र, क्या बोलेंगे वक्र, ठीक है। तो ये वह टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चलती हुई कार की गति या घुमावदार रास्ते पर चलती हुई कार की गति, ठीक है, क्या होगा वक्र रेखीय गति। बच्चों है ना हमारा आत्मा मोशन है घूर्णन गति है ना, हमारा आत्मा मोशन तो आत्मा गति क्या है घूर्णन गति है ना, रोटेटरी मोशन है ना, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन घूर्णन गति। अब घूर्णन गति किसे कहेंगे, तो जब कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु एक अस्थिर अक्ष के परिता घूमता हो ना, जब कोई वस्तु एक अस्थिर अक्ष के परिता का घूमता हो तब उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे घूर्णन गति। जब कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु हो ना, कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु एक अस्थिर अक्ष के परिता क्या करेगा घूमेगा, एक अस्थिर अक्ष के परिता घूमेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग है ना घूर्णन गति। जैसे पंखा देख लीजिए, पंखा क्या होता है एक अस्थिर है ना, एक अस्थिर डंडा से लटका हुआ रहता है छत्र में है ना, एक अस्थिर डंडा से छत में लटका हुआ रहता है, तो वो आपका जो डंडा हो गया अस्थिर, जो अस्थिर है वो है हो गया आपका अक्ष, और पंखा का मोटर क्या हो रहा है घूम रहा है, पंखा का मोटर क्या हो रहा है घूम रहा है, तो हो गया उसकी गति। तो पंखा की गति क्या कहलाएगा आपका, पंखा का गति कहलाएगा आपका है ना घूर्णन गति। आपका आप अपने घर का है ना, आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा भी क्या होता है एक दीवार से लगा हुआ रहता है, दरवाजा भी क्या होता है एक दीवार से लगा हुआ रहता है, तो दरवाजा की गति भी क्या होगा आपका घूर्णन गति है ना, दरवाजा का गति भी क्या हो जाएगा आपका घूर्णन गति। आप है ना लट्टू नचाते हैं है ना, लट्टू आप लोग नचाते होंगे तो लट्टू की गति भी क्या होता है घूर्णन गति, लट्टू भी क्या होता है एक अक्ष पर क्या होता है एक अक्ष पर चारों तरफ घूमता है ना, लट्टू भी क्या होता है एक अक्ष पर चारों तरफ घूमता है, तो भी क्या हो गया घूर्णन गति। हमारा पृथ्वी, हमारा पृथ्वी भी क्या होता है अपने अक्ष पर घूमता है, तो हमारी पृथ्वी की गति भी क्या हो जाएगा घूर्णन गति, हमारा पृथ्वी क्या होता है अपने अक्ष पर घूमता है तो पृथ्वी की गति भी क्या हो जाएगा घूर्णन गति। हम अपने घर की खिड़की को खोलते हैं तो खिड़की भी क्या होता है एक साइड से दीवार पे लगा हुआ रहता है ना, तो हम लोग खिड़की क्या करते हैं खोलते हैं तो खिड़की का गति भी क्या हो जाएगा आपका घूर्णन गति है ना, खिड़की की गति भी क्या हो जाएगा घूर्णन गति। मतलब कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु किसी अक्ष के परिता घूमता हो ना, कोई भी वस्तु किसी अस्थिर अक्ष के परिता घूमता हो ना, कोई भी वस्तु किसी अस्थिर अक्ष के परिता घूमता हो तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग घूर्णन गति, ठीक है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यदि वस्तु का प्रत्येक कण एक अस्थिर अक्ष के इर्द गिर्द
है ना, यदि वस्तु का प्रत्येक कण एक अस्थिर अक्ष के इर्द गिर्द वृत्तीय पथ पर गति करती है ना, यदि वस्तु का प्रत्येक कण एक अस्थिर अक्ष के इर्द गिर्द वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं, है ना, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे नाचते हुए लट्टू की गति, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, नाचते हुए लट्टू की गति पृथ्वी की अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूर्णन गति, पृथ्वी की अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूर्णन गति, कुम्हार के चाक की गति, है ना, कुम्हार के चाक की गति इत्यादि, है ना। तो बच्चों हमारा है ना नौवां नंबर है, है ना, नौ नंबर है कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशंस, है ना, कंपन गति वाइब्रेटरी मोशन, है ना, कंपन गति वाइब्रेटरी मोशन, ना क्या है वाइब्रेटरी मोशन। आप लोग वाइब्रेशन का नाम सुने होंगे क्योंकि मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल में तो होता है वाइब्रेट का सिस्टम, है ना। तो अगर आप लोग मोबाइल को वाइब्रेशन मोड में डालते हैं तो क्या होता है, मोबाइल जो होता है थरथराता है ना, मोबाइल क्या होता है थरथराता है। और अगर उसको फर्श पर रखिएगा तो क्या होता है, वो डोलता है ना, इस तरह से क्या होता है डोलते रहता है ना, तो हल्का हल्का क्या होता है वो हिलता है ना, तो उसी तरह की गति को हम लोग बोलते हैं कंपन गति वाइब्रेटरी मोशन। या है ना आप लोग सितार का तार देखे होंगे या सितार बजाए होंगे, सितार का तार क्या करते हैं, तार को थोड़ा सा खींच देते हैं तो तार क्या होता है इस तरह से डोलता है स्पीड में, इस तरह से डोलता है स्पीड में। तो सितार के तार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपन गति, है ना, मतलब जिस वस्तु में है ना कंपन होता हो उसकी गति को क्या बोलेंगे, कंपन गति। सितार का तार देखे होंगे या किसी धागा को आप लोग है ना दोनों तरफ से बांध दीजिए टाइट से और धागा को हिला दीजिए ना, धागा को हिला दीजिए तो देखिएगा धागा क्या होगा, हिलना शुरू हो जाएगा इस तरह से, है ना, हिलते रहेगा, है ना, हिलते रहेगा धागा, ठीक है। तो वो धागा की गति भी क्या कहलाएगा आपका, कंपन गति, है ना, कंपन गति, वह गति जिसमें तीव्र दोलन हो, क्या हो, तीव्र दोलन हो, क्या हो, तीव्र दोलन हो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कंपन गति, ठीक है। तीव्र दोलन गति को कंपन गति कहते हैं, है ना, तीव्र दोलन गति को कंपन गति कहते हैं, तीव्र दोलन गति को कंपन गति कहते हैं। जैसे लिखिएगा सितार के तार को खींचने पर उसकी गति, है ना, सितार के तार को खींचने पर उसकी गति, सितार के तार को खींचने पर उसकी गति। चलिए दसवां नंबर है हमारा लोटनिक गति, दसवां नंबर क्या है, लोटनिक गति, रोलिंग मोशन, है ना, दसवां नंबर क्या है, लोटनिक गति, नाम ही क्या, लोटनिक मतलब वह वस्तु जो लुढ़कता हो, वह वस्तु जो लुढ़कता हो, हम एक गेंद को लुढ़का देंगे ना, एक गेंद को क्या करेंगे, लुढ़का देंगे तो गेंद क्या होगा, लुढ़केगा, है ना, गेंद क्या होगा, लुढ़केगा, मतलब उसमें घूर्णन गति भी होगा और उसका स्थान भी चेंज होगा, है ना, उसमें घूर्णन गति भी होगा, उसका स्थान भी चेंज होगा, है ना। आप लोग एक गेंद को लुढ़का दीजिए तब जो उसकी गति होगा, उसकी गति को क्या बोलेंगे हम लोग, लोटनिक गति, क्या बोलेंगे, लोटनिक गति। या आप लोग जाते होंगे गैस सिलेंडर लाने के लिए, ना गैस सिलेंडर लाने के लिए आप लोग जाते होंगे, ठीक है, और अगर रास्ता में या कहीं ठेला या रिक्शा आपको नहीं मिला तो क्या करते हैं हम लोग, सिलेंडर को है ना रोड पे रख देते हैं और उसको लुढ़काते हुए जाते हैं, है ना, और उसको लुढ़काते हुए जाते हैं, लात से लुढ़काते हुए जाते हैं, तो सिलेंडर क्या होता है, घूमता भी है और उसका स्थान भी क्या होता है, चेंज होता है। सिलेंडर क्या होता है, घूमता भी है और उसका स्थान भी क्या होता है, चेंज होता है। तो सिलेंडर की गति को भी हम लोग क्या बोलेंगे, लोटनिक गति, है ना, क्या बोलेंगे, लोटनिक गति, मतलब समझिए ना वह गति जिसमें स्थानांतरित गति भी हो और क्या हो, घूर्णन गति भी हो, मतलब स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों साथ साथ हो, है ना, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों साथ साथ होगा, है ना, स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों साथ साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोटनिक गति, है ना, लोटनिक गति, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लोटनिक गति। जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया क्या होता है, इस तरह से घूमता है, है ना, इस तरह से क्या होता है, वो घूमता है तो किसी अक्ष पर घूमता है, तो घूम रहा है तो हो गया घूर्णन गति, और क्या हो रहा है, उसका स्थान भी चेंज हो रहा है, है ना, उसका स्थान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोटनिक गति,
क्या बोलेंगे उसको, लौटने की गति, है ना, क्या बोलेंगे, लौटने की गति। अब जिस वस्तु को हम लुढ़काते हैं, है ना, जिस वस्तु क्या करते हैं हम लोग लुढ़काते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लौटने की गति, है ना, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसका डिफिनेशन लिखिएगा, है ना, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति दोनों साथ साथ होती हैं, है ना, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति, है ना, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति दोनों साथ साथ होती है तो उसकी गति को लौटने गति कहते हैं, तो उसकी गति को लौटने गति कहते हैं, है ना, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति दोनों साथ साथ होती है तो उसकी गति को लौटने गति कहते हैं, है ना, यदि वस्तु में स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति दोनों साथ साथ होती है तो उसकी गति को लौटने गति कहते हैं। जैसे साइकिल के पहिए की गति, है ना, जैसे आप लोग लिखेगा साइकिल के पहिए की गति, है ना, साइकिल के पहिए की गति। तो बच्चों ये हो गया आपका, है ना, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, कुल हम लोग 10 प्रकार पढ़ लिए, है ना, कुल हम लोग गति का 10 प्रकार पढ़ लिए, है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके दैनिक जीवन में ये सब गति हमेशा होते रहता है, है ना, आपके दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में ये सब गति का होता है, हमेशा होते रहता है, ये सब भूलने का नहीं है। बस आप लोग किसी भी चीज को गति करते हुए देखते हैं, है ना, किसी भी अपने दैनिक जीवन में आसपास में कोई भी वस्तु को गति करते हुए देखते हैं तो सोचिए कि ये वस्तु कौन सी गति में है, ना, ये वस्तु कौन सी गति में है, आपको याद आ जाएगा कि वस्तु ये गति में है और ये गति में है। तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा कि गति कितने प्रकार का होता है और गति, है ना, कौन सी गति को क्या कहते हैं, कौन सी गति को क्या कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।